हाय एवरीवन, सो बात चल रही थी हमारी सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के बारे में, अगर हम उसको एक बार रिकॉल कर लें तो हमने स्टार्टिंग करी थी एक क्वेश्चन से, दैट इज़ हाउ डज मैटर बिकम कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर था सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एटम्स होती है उनकी एबिलिटी होती है खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की, जिससे वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, सिंथेसिस हुई यूरिया की बाय वूलर इन 1828 के अंदर, एंड उसके बाद सिंथेसिस हुई विटामिन B12 की बाय रॉबर्ट बी वुडवर्ड ने करी। तो इससे हम कहाँ पहुँच गए थे, यानी कि हम एटॉमिक लेवल से हम पहुँच गए थे मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो ये हमारी क्या थी, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री थी। मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री जो होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन पुट किया कि अगर मान लो टू किलर सेल्स हैं, उनका काम है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना, उनका काम है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना, बट किलर सेल को कैसे पता कि जो सामने वाला है वो क्या है, कैंसर सेल है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ हैपनिंग हो रही है जिससे वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और यही जो चीज़ थी ये बियॉन्ड थी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री से, और यहीं से स्टार्टिंग हुई थी सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की। ये सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। उसके बाद हमने स्टडी किया कि मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है। उससे पहले हमने ये देखा कि जो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री रिवॉल्व करती है अराउंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटल आयन कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। फिर हमने मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन के बारे में पढ़ा। सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री एक तरह की होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री है। ये क्या है, ये एक होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री है, या फिर हम इसको रिसेप्टर एंड सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर गेस्ट की बाइंडिंग होती है होस्ट के साथ, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ। अब इस बाइंडिंग में इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस के अंदर। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। इस पर पूरी वीडियो बनी हुई है मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर, अब वो देख सकते हो यहाँ पे। अभी हम सिर्फ पुरानी बातों को एक बार जस्ट रिकॉल कर रहे हैं कि अभी हमने अब तक क्या पढ़ा है। हाई रिकॉग्नाइजेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, तो हमने देखा कि शेप एंड साइज कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए सिग्मा एंड रो के बीच में। सिग्मा यहाँ पे सबस्ट्रेट है एंड रो यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल्स है जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं बट वो एक दूसरे को मैचअप कर रहे हैं, यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है। यानी कि जैसे कि क्रिकेट टीम है तो वहाँ पे बॉलर्स भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, फील्डर्स भी होते हैं, जब आपस में सारा कुछ मिल जाते हैं तो एक बेटर टीम बनती है। तो इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल बोलते हैं। लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया होना चाहिए बिटवीन सिग्मा एंड रो के बीच में, एंड और अदर फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर रिसेप्टर डिज़ाइन, वही सेम जो हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन के लिए फैक्टर होते हैं वही एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल के डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर रिसेप्टर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी स्फेरिकल रिकॉग्नाइजेशन से, हमने स्टडी किया स्फेरिकल रिकॉग्नाइजेशन।
जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जहाँ पे हमने पढ़ा था क्राउन ईथर के बारे में। इसमें हमने पढ़ा क्राउन ईथर के बारे में, क्राउन ईथर, वेलिनोमाइसिन एंड मैक्रोसाइक्लिक पॉलीअमाइंस जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड साइक्लिक होस्ट होते हैं। हमने देखा मैक्रोसाइक्लिक सल्फर बेस्ड साइक्लिक होस्ट। इतना हमने अभी तक सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया, जिससे पहले से वीडियोस बनी हुई है इन डिटेल। यहाँ पे जस्ट हमने इतना डिस्कस किया कि अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया था। अब नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर रिसेप्टर देखने वाले हैं, जो है हमारा क्रिप्टन। इसके बारे में अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हम बात कर रहे थे अल्कलाई मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, कि इनकी रिकॉग्नाइजेशन हो रही थी बाय रिसेप्टर मॉलिक्यूल से। यहाँ पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो हमने बात करी, वेलिनोमाइसिन, ये क्या था, ये नेचुरल माइक्रोसाइकिल था। और जो क्राउन ईथर था, ये क्या था, हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल होस्ट मॉलिक्यूल था, जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी, पीटरसन ने डिस्कवरी करी थी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रिप्टन आता है। जब पीटरसन ने डिस्कवरी करी थी क्राउन ईथर की, तो उसके बाद यंग रिसर्चर थे एट यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, उन्होंने डिसाइडेड किया डिज़ाइन करने का अ 3D एनालॉग ऑफ क्राउन ईथर। उन्होंने क्या डिसाइड किया, 3D एनालॉग ऑफ क्राउन ईथर को डिज़ाइन करने के बारे में उन्होंने डिसाइड किया। कैसे, बाय हाई डिल्यूशन टेक्निक से। वो अभी हम देखेंगे कि हाई डिल्यूशन टेक्निक क्या है। तो उन्होंने क्या सिंथेसाइज्ड किया, उन्होंने एक बाईसाइक्लिक क्रिप्टन सिंथेसाइज किया। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्राउन ईथर यहाँ पे एक तरीके का 2D मॉलिक्यूल था, जबकि जो क्रिप्टन है ये क्या है, 3D, यानी कि 3D होस्ट मॉलिक्यूल है। क्रिप्टन वर्ड हमारा आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है, क्रिप्टन वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है क्रिप्टोस से, जिसका मीनिंग होता है हिडन। यानी कि यहाँ पे जो क्रिप्टन है, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, मेटल आयन को अपनी स्फेरिकल कैविटी के अंदर बिल्कुल अच्छे से ट्रैप कर लेता है। तो इसी से ही इसका नेम आया क्रिप्टन। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसकी एबिलिटी है टू स्फेरिकली अराउंड मेटल कैटायन, दैट इज एबिलिटी टू स्फेरिकली अराउंड मेटल कैटायन। जो यहाँ पे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है इस सीरीज का, वो क्या है, वो है 2-2-2 क्रिप्टन। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो वो कुछ और है। यहाँ पे इसका कॉमन नेम है 2-2 क्रिप्टन, जो क्या है, विच इज सोल्ड कमर्शियली अंडर दी ट्रेड नेम क्रिप्टोफिक्स। यानी कि इसको कमर्शियली सोल्ड किया जाता है इस ट्रेड नेम से, क्रिप्टोफिक्स। जो 2-2 क्रिप्टन है, इसका जो साइज होता है, इसका सिमिलर साइज रिंग टू 18 क्राउन 6। यानी कि इसका जो साइज है वो बिल्कुल, इसकी जो कैविटी का साइज है वो बिल्कुल 18 क्राउन 6 के जैसा ही है। तो ये भी क्या करता है, ये सिलेक्टिविटी इसकी जो होती है वो किसके लिए होती है, पोटेशियम आयन के लिए होते हैं, के पॉजिटिव के लिए ओवर अदर अल्कलाई मेटल। ये किसको ट्रैप करता है, ये पोटेशियम आयन को ट्रैप करता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है।
ये स्ट्रक्चर है 2-2 क्रिप्टेंड का। यहाँ पे 2-2-2 हमें क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये शो कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम को ईच ब्रिज के अंदर, यानी कि यहाँ पे इस लाइन में 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम एंड यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम। अगर हम क्या करें इस ग्रुप को, यहाँ से अगर हम यहाँ पे एम से डिनोट कर दें एंड इसको यहाँ से अगर हम एम से डिनोट करें या फिर जो भी एम एन जो भी यहाँ पे देना है, यानी कि यहाँ पे अगर हम चाहे तो इस ग्रुप को बढ़ा भी सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एम एन एन जो भी है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अनदर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा क्रिप्टेन का ही। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, हमने अभी बात करी कि जो क्रिप्टेन होते हैं, जो ये 2-2-2 क्रिप्टेन है, इसकी जो रिंग का जो साइज है वो 18 क्राउन 6 के सिमिलर होता है, जिसके लिए क्या करता है पोटेशियम आयन को ट्रैप करता है एज कम्पेयर टू अदर अल्कलाई मेटल के। वैसे ही जो यहाँ पे जो बाइंडिंग है पोटेशियम आयन की बाय 2-2 क्रिप्टेन की, वो मिथेनॉल के अंदर 10^4 टाइम स्ट्रोंगर होती है देन क्राउन एनालॉग से, यानी कि इन मिथेनॉल जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो 10^4 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है। वैसे ही अगर हम बात करें 2-2-1 क्रिप्टेंड की, 2-2-1 क्रिप्टेंड की, तो ये बाइंडिंग करता है सोडियम आयन के साथ, सोडियम आयन के साथ इसकी ज़्यादा बाइंडिंग होती है। जब देखो जब मेटल आयन की क्या होती है इंक्लूजन होती है क्रिप्टेंड के अंदर, जब मेटल आयन की इंक्लूजन होती है क्रिप्टेन मॉलिक्यूल के अंदर, होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर या रिसेप्टर के अंदर, तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टेट, क्रिप्टेट। तो क्रिप्टेन एंड क्रिप्टेट वर्ड के अंदर यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि माइक्रोबाइसाइक्लिक लिगेंड, माइक्रोबाइसाइक्लिक लिगेंड दैट इज क्रिप्टेन फॉर्म क्रिप्टेट्स by inclusion of a metal cation inside the krypton, तो इसको हम क्रिप्टेट बोलते हैं। अब जो क्रिप्टेट्स होते हैं अल्कलाई एंड अल्कलाई अर्थ मेटल के, वो मोर स्टेबल होते हैं देन नेचुरल सिंथेटिक माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड से, यानी कि वही बात कि जो क्राउन ईथर जो अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को ट्रैप करके कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, उनके कंपैरिजन में वही कॉम्प्लेक्स जब क्रिप्टेन बनाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड इसकी जो सिलेक्टिविटी होती है वो भी हायर होती है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें एज ब्रिजेस ऑफ माइक्रोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक की जो ब्रिजेस है वो क्या होती है लेंथन होती है, तो यहाँ पे क्या होगा साइज ऑफ द कैविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ब्रिजेस है अगर उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी इंक्रीज होगी, तो जो कैविटी का जो साइज है, कैविटी का साइज वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आयन को बाउंड करना है उसका ऑर्डर भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, यानी कि सबसे पहले वो लिथियम आयन को कर रहा था, उसके बाद ये सोडियम को करेगा एंड उसके बाद वो किसको करेगा पोटेशियम आयन को ट्रैप करेगा। और अगर यहाँ पर एम और एन इक्वल टू वन हो जाए, दैट इज एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू में वन हो जाए, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिलेगी स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव एंड बैरियम 2 पॉजिटिव को ओवर कैल्शियम 2 पॉजिटिव के। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो हमने अभी बोला कि एज कंपेयर टू क्राउन ईथर क्रिप्टेन के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं या उनकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका रीज़न क्या है, दैट इज द की टू द ड्रामेटिकली इन्हेंस मेटल कैटायन बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ अ क्रिप्टेन ओवर क्राउन ईथर। ये रीज़न क्या है इसके पीछे, इसका रीज़न है प्री ऑर्गेनाइज 3D नेचर ऑफ देयर कैविटी, दैट इज प्री ऑर्गेनाइज्ड 3D नेचर ऑफ कैविटी विच अनेबल स्फेरिकल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एम पॉजिटिव आयन टू टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा स्फेरिकल रिकॉग्नाइजेशन होगा। देखो अगर मुझे पता है कि मुझे
यूट्यूब पे जो अगला टॉपिक पढ़ाना है वो क्रिप्टेंट पे पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्रिप्टेंट के बारे में ही स्टडी करूँगी, उसके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं मुझे पढ़ाना क्रिप्टेंट है पर मैं पढ़ूँगी एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके। तो जब मुझे पता है कि मुझे किस मॉलिक्यूल को बाइंड करना है तो मैं उसी तरीके का स्ट्रक्चर अपनाऊंगी, उसी तरीके की मेरी बाइंडिंग साइट्स होएगी, वही चीज़ें करूंगी। तो वही है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्री ऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, क्रिप्टेन का प्री ऑर्गेनाइज्ड 3D नेचर है उसकी कैविटी का, जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या करता है, मेटल आयन के साथ जो बाइंडिंग करता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसकी। क्रिप्टेन को हम टेम्पलेट इफेक्ट से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या करें, क्राउन ईथर के कुछ ऑक्सीजन एटम को अगर हम रिप्लेस कर दें NH के साथ, तो यहाँ पे हम क्रिप्टेन के सिंथेसिस कर सकते हैं। एंड हम कुछ स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम ये भी चेंजेस कर सकते हैं कि किसको हमें प्रेफरेंस देनी है, यानी कि हमें अल्कलाई मेटल को प्रेफरेंस देनी है या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल को प्रेफरेंस देनी है, ये भी हम स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करके कंट्रोल। अगर हम क्राउन ईथर के अंदर अगर हम क्रिप्टेन के अंदर, वैसे ये बात दोनों पे ही एप्लीकेबल है, क्राउन ईथर पे भी और क्रिप्टेन पे भी है, अगर हम यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है उनको रिप्लेस कर दें नाइट्रोजन एंड सल्फर के साथ, तो यहाँ पे जो ये प्रेफरेंस देगा, ये ट्रांजिशन मेटल आयन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ये उनके साथ बाइंडिंग करेगा। एंड कुछ हमारे जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स है, कैडमियम, लेड एंड मर्करी, ये उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ क्रिप्टेंट की, तो देखो फर्स्ट मेथड यहाँ पे है हाई डाइल्यूशन टेक्निक। हाई डाइल्यूशन टेक्निक यहाँ पे क्या होगा, हम रिएक्टेंट को ऐड करते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। हम रिएक्टेंट को ऐड करते हैं तो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो साइक्लिक प्रोडक्ट है वो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाय इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन से। यानी कि हमारे पास एक लीनियर पॉलीथर, मतलब लीनियर कोई भी स्पीसीज होगी, उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन करे या फिर वो इंटर मोलिकुलर रिएक्शन करे। अगर इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन करेगा तो साइक्लाइजेशन होगी, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। अगर वो इंटर मोलिकुलर रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे पॉलीमेरिक स्पीसीज बनेगी। तो अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के लिए रिक्वायर होता है कि जो दोनों सेपरेट रिएक्टेंट है उनकी क्या हो, कोलिजन हो। बट यहाँ पे एक बात ये है कि इससे जो रिएक्शन का रेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस प्रोसेस से रिएक्शन का रेट इनहेंस नहीं होगा। इस प्रोसेस के अंदर जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पे अनडिजायर्ड प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाते हैं। बट जो ये रिएक्शन है ये होने में क्या करती है, ये रिएक्शन होने में लॉन्ग टाइम लेती है। सेकंड हमारे पास मेथड है टेम्पलेट इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, टेम्पलेट इफेक्ट के अंदर हम ऐड करते हैं मेटल आयन को। ये मेटल आयन फोर्स करता है पोली ईथर को कि वो एक ऐसी कन्फॉर्मेशन ले जो सूटेबल हो फॉर माइक्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर के लिए। यानी कि हमने मेटल आयन को ऐड किया, वो अब फोर्स कर रहा है इसको कि वो क्या करे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही ले। जैसे कि सबके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग ही करें या फिर डॉक्टर ही बने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है यहाँ पे लो टेम्परेचर सिंथेसिस।
इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है रिएक्टिव ग्रुप्स की वो स्लो डाउन हो जाती है। इस टेक्निक के अंदर जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। मूवमेंट स्लो होने की वजह से यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होती है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइक्लाइजेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इस केस के अंदर हमें कोई भी आयन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमने टेम्पलेट इफेक्ट के अंदर हमने आयन यूज़ किया था। तो ये थी सिंथेसिस ऑफ क्रिप्टेंट्स के बारे में। देखो जो क्राउन ईथर है ना, वो क्या था, टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल था, तो वहाँ पर चांसेस थे कि वो क्या कर सकता था, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बाउंड केटायन था वो आयन पेयरिंग कर सकता था फ्रॉम द ओपन एंड बॉटम फेस से, यानी कि क्राउन ईथर के अंदर जो मेटल आयन था वो क्या कर सकता था, वो आयन पेयरिंग कर सकता था किसके साथ, वो आयन पेयरिंग कर सकता था फ्रॉम टॉप एंड बॉटम फेस से, जिसकी वजह से वो क्या था, इतना स्टेबल नहीं था। बट अगर हम बात करें क्रिप्टेंड की, तो ये क्या है, एक 3D मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मेटल आयन है वो ज़्यादा अच्छे से ट्रैप है, क्योंकि ये एक स्फीयर मॉलिक्यूल है, स्फीरोइडल कैविटी है इसकी। तो यहाँ पे अगर हम इन शॉर्ट बात करें क्रिप्टेंड के बारे में, क्रिप्टेंड फंक्शन एज रिसेप्टर फॉर स्फेरिकल कैटायन एंड देयर स्पेशल कॉम्प्लेक्सेशन प्रॉपर्टीज आर अट्रिब्यूटेड टू, यानी कि जो क्रिप्टेंड है वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। फर्स्ट रीज़न यहाँ पे ये है कि माइक्रो पॉलीसाइक्लिक नेचर जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या कोर्स कर रहा है, हाई स्टेबिलिटी एंड सिलेक्टिविटी एंड इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टेट इफेक्ट। सेकेंड रीज़न यहाँ पर क्या है, स्लो एक्सचेंज रेट। अभी हमने बात करी कि जो ये एक्सचेंज रेट है वो क्राउन ईथर के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो क्राउन ईथर के अंदर जो मेटल आयन है वो टॉप एंड बॉटम फेस से आयन पेयरिंग कर सकते हैं, बट ऐसा कोई भी चांस यहाँ पे क्रिप्टेंट के अंदर नहीं है। थर्ड है यहाँ पे एफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ या फिर शील्डिंग ऑफ बॉन्डेड केटायन फ्रॉम सराउंडिंग केटायन। इन 3 रीजन की वजह से जो क्रिप्टेंड है वो एक बेटर होस्ट है एज कम्पेयर टू क्राउन ईथर। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की तो इट प्रोमोट सोल्यूबलाइजेशन ऑफ साल्ट इन ऑर्गेनिक मीडिया। यानी कि कुछ ऐसे अगर साल्ट है जो ऑर्गेनिक मीडिया के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रिप्टेन मॉलिक्यूल है उन मेटल आयन को या उन मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेगा और उस ऑर्गेनिक मीडिया के अंदर सोल्यूबल करवाएगा, क्योंकि जो ये हमारा क्रिप्टेंट है ये सोल्यूबल होगा उस मीडियम के अंदर। नेक्स्ट है क्रिप्टेंट फॉर मेटल कॉम्प्लेक्सेशन। हमने अभी डिस्कस किया क्रिप्टेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन एट द डोनर एटम। अगर क्रिप्टेंट के अंदर जो डोनर एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग होगी यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो किसके साथ फॉर्म होगा, वो अल्कलाई एंड अल्कलाई
अर्थ मेटल के साथ फॉर्म होगा। अगर यहीं पर ही अगर हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस से, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो ट्रांजिशन मेटल के साथ होगा एंड जिंक एंड कैडमियम मरकरी के साथ होगा। जब अल्कलाई मेटल बाइंड करता है क्रिप्टेन की केज के अंदर, तो यहाँ पे जो उनकी आयनिक कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि क्रिप्टेन क्या करता है, आयनिक कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, जो काफ़ी यूजफुल है इन डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डिजाइनिंग में ये चीज यूजफुल है विद इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए। फिर हमने देखा कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट को चेक किया, हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट को चेक किया कि लेड टू पॉजिटिव एंड सिल्वर पॉजिटिव के विद नॉन साइक्लिक मॉलिक्यूल, माइक्रोसाइक्लिक एंड माइक्रो बाईसाइक्लिक के साथ, लिगेंड्स के साथ इन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो हमने ये चेक किया जो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कौन बना रहा है, वो हमारा क्रिप्टेन ही बना रहा है। वही सेम रिजल्ट हमने देखा फॉर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अमोनियम आयन के साथ। अब ऐसा नहीं है कि जो क्रिप्टेन मॉलिक्यूल है वो सिर्फ मेटल आयन को ही ट्रैप करता है, यानी कि कैटायन गैस को ही ट्रैप करता है। क्रिप्टेन एनायन रिकॉग्नाइजेशन भी करता है, क्रिप्टेन एज अ कैरियर इन, यानी कि फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये एनायन रिकॉग्नाइजेशन भी करता है। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे कि क्रिप्टेन एज कैरियर इन ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक्ट भी करता है। अभी हमने देखा ये सोलिडाइजेशन ऑफ कार्करेन ऑर्गेनिक मीडिया के अंदर। क्रिप्टेन एज अ होस्ट फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए भी होस्ट की तरह एक्ट करता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए भी होस्ट की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिस ट्राई पायरोलाइल क्रिप्टेंड है जिसकी प्रिपरेशन हुई है बाई 2+3 स्टिफ बेस कंडेंसेशन ऑफ फॉर्माइल ट्राई पैरालाइल विद डाई अमाइन के साथ। मतलब इतना कुछ ऐसे मुझे लगता नहीं कुछ इसमें करने की ज़रूरत है। नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि हमारे पास जो क्रिप्टेंड है कौन सा, बिस ट्राई पैरालाइल क्रिप्टेंड, इसकी सिंथेसिस हुई थी बाय फॉर्माइल ट्राई पायरोलाइल विद डाई अमीन से बाय 2+3 स्टिफ बेस कंडेंसेशन से। तो जो ये क्रिप्टेंड है ये बाइंड करता है स्ट्रॉन्गली इथेन 1-2 डाई अमाइन एंड इथेन 1-2 डाई ओल को इन CHCl3 के अंदर। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो क्रिप्टेन है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी बाइंड करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास क्रिप्टेन के बारे में। अगर हम बिल्कुल दोबारा से बात करें, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, तो जो क्रिप्टेन है वो एक 3D मॉलिक्यूल है, बिल्कुल क्राउन ईथर का एनालॉग है। क्राउन ईथर के कंपैरिजन में इसकी जो सिलेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स बनाने की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज यहाँ पे प्री ऑर्गेनाइजेशन ही हमने करी है, हमने खुद इसको डिज़ाइन किया है और ये काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को, एनायन को, कैटायन को, इन सबको ट्रैप करता है। अनदर टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।